नमस्कार। सो देखिए, जब तक कुछ कंक्रीट फीडबैक ना, मैं भी फीडबैक कह रहा हूँ, तो तब तक मैं आप लोगों को कट ऑफ स्पेशली कट ऑफ बताना पसंद नहीं करता। मेरा नाम विवेक गुप्ता और MBBS कंसल्टेंट से ऊपर हम एक करियर काउंसलर भी हैं। और बात करते हैं कि इस बार जो मेरे पास खबर अभी तक आ रही है पे एग्ज़ाम को लेके, और उसका मायने क्या है और उसका असर क्या पड़ता है। तो पहले देखिए, जो भी मेरे पास स्टूडेंट काउंसलिंग करने आते हैं, स्पेशली जब लोग मुझसे ड्रॉप का क्वेश्चन पूछते हैं, और इसलिए मैंने ड्रॉप का वीडियो बनाया जो आप लोगों ने देखा होगा कल। और मैं हमेशा आप लोग सबको वही कहता हूँ कि एक लॉजिक है। देखिए, 720 नंबर मैं बहुत खुल के बोलता हूँ जो मेरे सामने आके बैठते हैं, कुछ को बुरा भी लगता है कि 720 और 700 नंबर ना सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं आते। आई नो कि थोड़ा सा मैं डाइग्रेस कर रहा हूँ। जीवन में आगे बढ़ने के लिए, स्पेशली जब आप पढ़ाई का काम कर रहे हैं, तो दो फैक्टर प्ले कर रहे हैं। एक बिल्कुल हार्ड वर्क, आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितने फोकस से पढ़ाई कर रहे हैं, और एक सेकंड फैक्टर भी होता है जिसको हम ये बोलते हैं कि नेचुरल IQ या भगवान का दिया, आप उसे दिमाग कह लो देसी भाषा में, उसको आप IQ कह लो, उसको आप फोकस कह लो। और जब इन दोनों का परफेक्ट मिक्सचर होता है तभी 720 नंबर आता है। दोनों ही ज़रूरी है। किसी के पास बहुत दिमाग है, बिल्कुल मेहनत नहीं कर रहा, तो आप वो 600 पे अटक जाएगा, समझ ले 550 पे अटक जाएगा। कोई बहुत मेहनत कर रहा है लेकिन बिल्कुल ही भगवान ने दिमाग देने में कंजूसी कर दी, वो भी अटक जाएगा। और जितने भी, मैं तो कहूँगा बहुत क्लियरली कि जो भी 630 प्लस हैं, जनरली वो एक दोनों का मिक्सचर होंगे, जो बहुत हार्डवर्क भी करते हैं और जिनको IQ भी दिया गया है। और फिर से मैं इसलिए समझाता हूँ कि वंस वी आर क्रॉसिंग दिस 620-625 नंबर मार्क, देखिए अभी हम बात जर्नल OBC WSC कर रहे हैं, आपको यही प्रपोर्शन में आप बाकी कैटेगरी को भी ले सकते हैं। तो 620 के ऊपर, यानी कि जिस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक 20,000 तक है आउट ऑफ 24 लाख बच्चे, राइट, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि ये 20,000 तक, 25,000 जो पहले 25,000 है ना, दे ऑल आर ग्रेट, दे ऑल हैव बीन गिवन गुड IQ एंड दे ऑल आर वेरी हार्ड वर्किंग। इनमें जो, क्योंकि देखिए 625 नंबर लाना भी मतलब ये होता है, या 600 प्लस ही पकड़ लेते हैं बाकी स्टेट्स के सरकारी के लिए, अगर हम टॉप 30,000 भी पकड़ लें, इस साल अगर 23 लाख बच्चों ने बैठा है, मैं और थोड़ा लूज़ कर देता हूँ, पहले 1.5% बच्चे रफली 35,000 तक आ जाएगी रैंक, ऑल इंडिया रैंक, ठीक है। इनमें देखिए, इन्होंने कम से कम 600 नंबर लाने के लिए 150 क्वेश्चन ठीक करे आउट ऑफ 180, अगर एक भी गलत नहीं करा। और मान के चलते हैं कि 4-5 गलत किए हैं, तो हम ये बोलेंगे कि 160 अटैम्प्ट किए, 152-153 ठीक हुए, 6-7 गलत हुए, तो 600 स्कोर तभी आएगा ना। विच मीन्स 3 घंटे के पेपर में 150 क्वेश्चंस तो करेंगे 180 में से। जनरली दिस पीपल को ना फ़र्क नहीं पड़ता कि पेपर का लेवल क्या था, मेरी बात बहुत गौर से समझिएगा। और ये हुआ था कि लास्ट ईयर ना, जब बायोलॉजी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड आ गई, या लास्ट टू लास्ट ईयर फिजिक्स थोड़ा टफ आ गया था, ये फीडबैक आई थी। लास्ट ईयर क्या आई थी, सर बायोलॉजी क्वेश्चन बड़े घुमा के पूछ लिए गए। अच्छा जी, लास्ट टू लास्ट ईयर क्या आया था, फिजिक्स थोड़ा टफ था, बट 720 तो फिर भी बच्चे ले आए थे। और ये जो रेंज थी 620-600, ये बढ़ती जा रही है, मतलब ऑल इंडिया रैंक पिछले 3 साल से लगातार बढ़ रही है। 20,000 रैंक 2021 में अगर 590 नंबर की थी, तो लास्ट ईयर 620 की आई है। ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि पेपर टफ माना गया था 4 साल के मुकाबले। तो एक तो फैक्टर क्या काम कर रहा है कि जनरली अक्रॉस ईयर, चाहे दुनिया की कोई भी फील्ड हो, नो कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, मेहनत बढ़ती जा रही है, बच्चे और फोकस कर रहे हैं, और डमी स्कूल, नॉन अटेंडिंग, और ट्यूशंस, छठी क्लासें पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो एक ओवरऑल होलिस्टिक कंपटीशन तो वैसे ही बढ़ रहा है। तो उसकी वजह से हर साल 2-4 नंबर का फ़र्क पड़ जाता है। और ये जो सेगमेंट है, इनको ना डिफ़िकल्टी से फ़र्क नहीं पड़ता। तो जहाँ तक मैं सरकारी की बात करूँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप ये मान के चलिए कि जो भी आपकी कट ऑफ थी, अगर लेकिन इस बार क्या है, बच्चे बढ़ गए हैं, बच्चे 20% बढ़े हैं, राइट। तो 20% अगर बच्चे बढ़े हैं, तो और मैं ये मान के चलता हूँ, मैथमेटिक्स की भाषा में से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं कि भाई जो एक्स्ट्रा बच्चे आए हैं, वो कुछ बहुत पढ़ने वाले भी होंगे जिनके ड्रॉप थे, कुछ वो भी थे जो मतलब ना मेहनत करते ना IQ। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ 720 में से 20 नंबर, 30 नंबर, 50 नंबर भी लाखों बच्चे लाते हैं। ये बच्चे कौन होते हैं, ये वही होते हैं कि जो इन्होंने हार्डवर्क करा ना, इनके पास वो नेचुरल IQ था, तो दोनों में पीछे थे तभी 50 नंबर आ रहे हैं। तो जब क्वांटिटी बढ़ी ना, 20 से 23 लाख हुए, तो कुछ उस लेवल रेंज के बच्चे भी आए और कुछ टॉपर बच्चे भी आए, कुछ मिडल में भी आए 300-400 वाले। तो इस सब की वजह से जो वो सरकारी कट ऑफ है ना, वो मान के चलिए कि 1-1.5% नंबर से बढ़ने की इस बार मुझे उम्मीद लग रही है,
बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिशन इंक्रीज, विच मीन्स जो भी कट ऑफ आप जिस भी स्टेट में रहते हैं, अगर आप स्टेट कट ऑफ देख रहे हैं, आप ऑल इंडिया कट ऑफ देख रहे हैं, आप ये मान के चल सकते हैं कि आपकी कट ऑफ अगर 590 नंबर थी लास्ट ईयर, तो इस साल वो 595-96 हो सकती है। 615 कट ऑफ थी तो 620-21 जा सकती है, बिकॉज ऑफ 20% जो बच्चे बड़े हैं उनका अगर मैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करूँगा तो उसमें कुछ बच्चे होंगे जो टॉपर में भी आएंगे, अनलेस एंटिल सरकारी सीटें बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। तो जिस स्टेट में सरकारी कॉलेज खोले जाएंगे उनमें समझ लीजिए यही चीज़ नीचे आ जाएगी। तो ये तो एक आपके लिए प्रोपोर्शन हो गया जो ऊपर के बच्चे हैं। अब चूँकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहता है अच्छे और बुरे बच्चों का, आप ये भी समझिए नीट क्वालिफाई का कुछ कोर फिक्स नहीं है। गवर्नमेंट का क्या रूल है, लेट्स से 23 लाख में से 10 लाख जनरल कैटेगरी के बच्चे बैठे या 12 लाख, पहले 6 लाख पे कट मार देते हैं और वो क्वालिफाई माना स्कोर मार जाता है, राइट। क्वालिफाई कोई साइंटिफिक तरीके से नहीं निकाला जाता, सिंपल सी बात है, जनरल की ऐसी लिस्ट बनी जो बिल्कुल आधा बच्चा है 50% वो क्वालिफाई हो गया। फिर से लॉजिक ये है कि जितने ऊपर उतने नीचे, पर चूँकि इस बार पेपर आसान माना जा रहा है 2 साल के मुकाबले, तो ये आसान पेपर का फ़ायदा होता है जो नीचे नंबर वाले लोग होते हैं, क्योंकि वो आसान क्वेश्चन को कर पाते हैं कि विद लेस हार्डवर्क एंड लेस आईक्यू। तो एक और चीज़ मैं बताना भूल गया, जब हाई हार्डवर्क और हाई आईक्यू है तो क्वेश्चन की क्वालिटी से फ़र्क नहीं पड़ता, आप सारे कर लोगे, पर जब लो हार्डवर्क और लो आईक्यू है तो आसान पेपर में ना ये बच्चे भी छक्के मार देते हैं, क्योंकि पेपर का लेवल आसान था तो कम हार्डवर्क का मतलब ये होता है ना कि आसान क्वेश्चन आप कर पाए। तो मेरी गट फील ये है कि जनरल की कट ऑफ इस बार बढ़ सकती है और जो लास्ट ईयर कट ऑफ थी उससे थोड़ी सी ऊपर हो सकती है। अब ये मैं आपको क्यों आज बता रहा हूँ, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि भाई आप लोग इस समय कोई कमिटमेंट मत कीजिएगा सीट बुक करने के लिए। जी हाँ, तो अगर लास्ट ईयर कट ऑफ 137 थी, मैं इसको मान के चल रहा हूँ कि 145-140 तक भी जा सकती है। जो बच्चे बढ़े हैं ना तो ऊपर के बच्चे भी बढ़ेंगे, तो अब ये मैं सोचेगा कि कमी होगी। और सिमिलरली जैसा कि हम जानते हैं कि जो कैटेगरी के तक 107 था, लेट से वो 107 से बढ़ के 115 होती है, आप 137 से बढ़ के 145 तक भी जा सकते हो। अब आपके नंबर आए हैं इस समय 141 और आपने लास्ट ईयर कट ऑफ देखी, या आपको किसी और बंदे ने बोला जी कट ऑफ तो 130 भी गिरने वाली है, तो आपने क्या करा, देखिए 142 पे आपको नॉर्मल सीट तो मिलेगी नहीं, तो आपने क्या करा, आपने सीट बुकिंग करनी शुरू कर दी और पैसे फंसा लिए अपने कर्नाटका के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, राजस्थान के लिए या डीम जहाँ पर भी आपको सलाह दी गई जेन्युइन, पर आप तो क्वालिफाई नहीं करे तो वो सब बर्बाद हो जाएगा। तो एक आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि अगर आप बहुत कट ऑफ के आसपास हैं तो अभी कमिटमेंट मत कीजिए किसी के साथ बुकिंग की, पहले एक्चुअल रिजल्ट आने दीजिए, आंसर की भी नहीं, क्योंकि जब तक आप क्वालिफाई स्कोर में नहीं तो सब बेकार है ना। तो आपको एक उस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि मैं किस रेंज में फॉल करने वाला हूँ अगर आप क्वालिफाई के आसपास होने वाले हैं। तो सेफ्टी के लिए कम से कम अगर जनरल में आपके 150 प्लस हैं और कैटेगरी में आपके 115 प्लस हैं कम से कम, या तो 120 बोलूँगा और जनरल तो मैंने बोल दिया कि 150 पकड़ के चलो, तभी आप ये बुकिंग शुकिंग ये NRI वगैरह करवाइए, क्योंकि सबके लिए सबसे पहले आपका क्वालिफाई होना तो ज़रूरी है ना, जिस भी कैटेगरी में आप फॉल करते हैं उसी का ध्यान रखिए। नंबर 3 सबसे इम्पॉर्टेंट, जब पेपर आसान होता है ना तो भाई जैसे मैंने कहा क्वालिफाई वाले और जो मिडिल वाले हैं 200 से 300 नंबर वाले, ये बहुत छक्के मारते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जिस बच्चे को सेम मेहनत से लास्ट ईयर 230 मिले थे, इस साल उसको 260 मिल गए हैं। इसका मतलब जो इस रेंज के कॉलेज थे उनकी कट ऑफ 30 से 40 नंबर ऊपर जा सकती है पूरे रेंज में, जो ये 250 से लेके 400 तक की रेंज होगी सब में। दैट मीन्स आपके नंबर अगर 400 आ रहे हैं तो आपको वो कॉलेज मिलेगा इस साल जो पिछले साल 360-370 नंबर वाले बच्चों को भी मिल गए थे। अगर आपके 260 हैं तो 230 और 230 हैं तो 200, एक इस बेंचमार्क को लेकर ही अपने डिसाइड कीजिए। और अगर वेरी फ्रेंकली मैं एक नंबर्स बता दूं, देखिए सबसे सस्ता हिंदुस्तान में UP है कम नंबरों के लिए, कर्नाटक में भी 70 लाख की फ़ीस होती है, या KPSC बंगाल में या छत्तीसगढ़ में, पर वो तो 500 प्लस चाहिए ना। एक UP था जिसने 2022 में 150 नंबर पे भी दे दिया था, 2023 में मिनिमम 228 गया था SKS मथुरा का। इस साल आप मान के चलिए अगर आपके 250 से कम नंबर हैं तो आपका 70 लाख में काम नहीं हो सकता। और मैं हमेशा हॉस्टल मिला के बात बोलता हूँ, मुझे आदत है, तो मिनिमम 80 लाख, और वो भी उसमें आपको कुछ बहुत शानदार कॉलेज हरियाणा का नहीं मिलेगा। तो अगर आपके 250 से कम है एंड यू आर लुकिंग फॉर अ गुड कॉलेज, आप अपना बजट कम से कम 1 CR+ लेके चलिए। इसके अलावा आप तुक्का मार रहे हैं, वो तुक्का कैसे होता है,
वो तुक्का ऐसे होता है कि लास्ट ईयर जैसे लास्ट राउंड में JNM वेस्ट बंगाल लॉन्च हो गया था, तो उन लोगों ने पैकेज दे दिया था, क्योंकि जो डीम्ड के भी देखिए भी आपको पैकेज के मेल आने शुरू होंगे, भारत के सत्यासाई के या जो पौंडीचेरी के कॉलेजेस हैं उनके जो आएंगे, वो हॉस्टल के साथ कभी नहीं देते आपको फिगर, तो हॉस्टल मिला के तो आपको वन पार होना ही होना है सारी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में। ऑफकोर्स सिम्बी वगैरह की बात नहीं कर रहा, पर उसमें नंबर भी तो वैसे अलग चाहिए ना, तो 250 से कम अगर नंबर है तो 1 CR से कम विद हॉस्टल आपका इस साल काम नहीं होने वाला, जो नॉर्मल सीट है ये आप मान के चलिए। तो अगर 250 से कम है, और 250 के बाद भी मैं ये नहीं कह रहा कि गारंटीड है, हाँ पर उसके पास सीट मिल जाएगी चाहे वो डीम्ड में मिले या कहीं मिले, बट 1 CR का बजट रखिए 250 से अगर कम है। हाँ 250 से ज़्यादा है तो भी UP के वो नीचे वाले कॉलेज आपको मिल सकते हैं, और गुड क्वालिटी कॉलेज देख रहे हैं कम बजट में, फिर तो आपके 300+ मार्क्स होने चाहिए कम बजट में। बजट अनलिमिटेड है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो देखिए हिंदुस्तान में 160 को भी 170 को भी मिल जाता है कर्नाटका क्यू कोटा या महाराष्ट्र का इंस्टीट्यूशनल कोटा, पर जो बजट वाले लोग हैं तो अगर 250 से कम हैं इस समय आपके, और बजट भी 70-75 है मैक्सिमम, या आप अच्छा कॉलेज लेना चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि फिर तो मतलब 85 चाहिए ना अल्फला वगैरह के लिए, उसमें भी इस बार शायद कट ऑफ 260-270 चली जाए, तो फिर आप अपना बैकअप रेडी करना शुरू कीजिए। वो बैकअप MBBS अब्रॉड हो सकता है, नेपाल किर्गिस्तान उज्बेकिस्तान, वो BMS हो सकता है, फोर्स प्राइवेट ही मिलेंगे, वो BHMS हो सकते हैं, वो BDS हो सकता है, वो अपना करियर चेंज कर सकते हो आप, और BSc बायोटेक कर सकते हो, वो जो भी आप करना चाहें, जो भी बच्चे की इच्छा हो, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि वो कराइए। अगर आप कोर्स चेंज कर रहे हैं, अगर MBBS का सपना था नीट तैयारी से पहले और वो पूरा नहीं हो रहा, तो मैं हमेशा सलाह देता हूँ ज़बरदस्ती BDS या BMS मत कीजिए, टेक अप अ प्रॉपर करियर काउंसलिंग सेशन किसी अच्छे करियर काउंसलर से सेशन लीजिए, और मे बी बच्चे के लिए बेटर है कि इस समय वो साइकोलॉजी ऑनर्स कर ले या BSc बायोटेक कर ले, या बिल्कुल ही डिफरेंट करके BBA कर ले, पता चले बच्चा तो मेडिकल लाइन के लिए बना ही नहीं, तो वो सब भी आप प्रोसीडर कर सकते हैं। एज ए करियर काउंसलर हम वो बहुत सेशंस लेते हैं, और जैसा मैंने हमेशा कहा कि इस तरह के सेशंस की हमारी फ़ीस 5,000 रुपये रहती है, जिसमें बताते हैं कि आपको किस में जाना चाहिए, और मतलब ये मैं सोचिए कि MBBS नहीं हो पा रहा, अब्रॉड जाने का इच्छा नहीं है, तो चलो ज़बरदस्ती BMS कर लेगी, नाम के डॉक्टर तो लिख जाएगा, कुछ तो क्लैरिटी कुछ तो पर्सपेक्टिव होना चाहिए कि इतनी मेहनत करने वाले हो, डॉक्टर की डिग्री लेने वाले हो, तो कुछ तो फ्यूचर प्लान क्लियर होना चाहिए। ओके, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया फॉर योर प्लानिंग्स, और वही मैंने कहा कि जिन भी एजेंट्स की आप टच में आते और वो आपको 220 मार्क्स पे 40 लाख 50 लाख के प्रॉमिस कर रहे हैं, उनसे बचिए। राजस्थान की सेमी गवर्नमेंट सीट सिर्फ राजस्थान डोमिसाइल वालों के लिए होती है, उनकी कट ऑफ 580-500 नंबर जाती है, कर्नाटका की 11 लाख वाली फ़ीस 520 के नीचे नहीं मिलती, इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए और फिर अपना एक्शन लीजिए। हमसे संपर्क करना चाहते हैं आप जानते ही हैं, 9643-62320, यही नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है, हम फ्री ऑफ चार्ज किसी से बात नहीं करते हैं, तो 2,500 फ़ोन पर बात करने के, 5,000 वीडियो कॉल या मुझसे आगे मिलने के, मोस्टली मैं डेली ऑफिस बैठता हूँ, कभी कभार ट्रैवल करता रहता हूँ, और जब आप आज ये वीडियो सुन रहे हैं तो आज भी मैं दिल्ली में नहीं हूँ, अपने पानीपत ऑफिस में बैठा हुआ हूँ, और उसके हिसाब से आप मुझसे मिलने आ सकते हैं, एंड वी कैन वर्क अकॉर्डिंगली। ओके, आपका दिन शुभ हो, नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, और हमारे पैकेजेस का भी जो लॉजिक है वो भी, उसका वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेक केयर, बेस्ट विशेज फॉर योर ड्रीम सीट किसी भी कोर्स में, बाय बाय।